नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग सभी को आज एक बार फिर से आप सभी का योग के सत्र में स्वागत है तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस विषय पे योग के माध्यम से जो आज का टॉपिक है योगा फॉर कोर स्ट्रेंथ कोर अक्सर हम सुनते हैं कोर कोर मेंबर कोर ग्रुप कोर मसल मतलब शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो मुख्य मांसपेशियां है जो शारीरिक गति या शारीरिक संतुलन को सही रखने के लिए ये मसल इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बहुत सारे मसल्स ग्रुप हैं चार पांच उसमें से मेन हैं हम बायोलॉजिकल टर्म में उस पर नहीं जाएंगे मोटा मोटी हम एक फिजिकल टर्म में हम बात करेंगे जैसे हमारे पेट की मांसपेशियां हैं पेल्विस एरिया की मांसपेशियां हैं हिप की मांसपेशियां हैं थाई की मांसपेशियां हैं कंधे की मांसपेशियां हैं आर्म्स है तो आर्म्स का पिछला हिस्सा ये सभी कोर मसल्स uh, में आते हैं कोर ग्रुप के तो मुख्य मसल्स को कैसे आप योग के माध्यम से आसनों के माध्यम से कुछ प्राणायाम के माध्यम से आप उसको उसमें बल प्रदान कर सकते हैं उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं मजबूती प्रदान कर सकते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे कोर स्ट्रेंथ जो हमारे शरीर के जो कोर हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि योग के माध्यम से शरीर के जो मुख्य मांसपेशियाँ हैं जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है और लचीला भी बनाता है उन सब आसनों के माध्यम से उन सब मसल को कैसे करेंगे योग में बहुत सारे वैसे तो बहुत अभ्यास हैं लेकिन कुछ सेलेक्टिव अभ्यास हैं जिसको कि हम लोग आज आ, करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या खासियतें हैं कि ये कोर को कैसे मजबूत करता है तो योग अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करते हैं बिना सूक्ष्म व्यायाम के जो है अभ्यास प्रारंभ नहीं करना चाहिए मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ कि आसन प्रारंभ करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूर करने चाहिए ताकि शरीर में जो भी स्टिफनेस है पहले वो दूर हो उसके बाद फिर आगे मेन अभ्यास पे मेन आसन पे हम लोग आते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं आज हमारे साथ आ, हमें सपोर्ट करने के लिए गौरव जी हैं गौरव जी आज आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मैं इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ गौरव जी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा चलिए तो सबसे पहले जो हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं जॉइंट्स वाले इसमें कोई आ, लिमिट नहीं है कि आप या कोई ऐसा नहीं है कि आप पैर से शुरू करें या हाथ से शुरू करें जहाँ भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो चूँकि हम लोग बैठे हैं बैठने की स्थिति में तो हम लोग पैर की उंगली से स्टार्ट करते हैं तो पैर की उंगली से स्टार्ट करते हैं गौरव जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैर दोनों मेरी तरफ फैलाएं अब इनके टो तो पे फोकस करिए तो सिंपल इनके टो तो पे फोकस करें ठीक है तो सिर्फ टो तो को आगे पीछे करना है चलिए One. सिर्फ टो को सिर्फ टो आगे की तरफ दबाइए यस yes. पीछे सामने पीछे सामने पीछे सामने पीछे सिर्फ पैर की उंगलियां ही मूव करेंगी सामने पीछे सामने पीछे अब अगला अभ्यास हम लोग करेंगे एंकल से एंकल से आगे पीछे करेंगे वन एंकल को दबाना है पूरा वन अपनी तरफ टू

रिलैक्स पांच पांच छः बार धीरे 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 इसको टेन टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स तक भी ले जा सकते हैं अब इसी में रोटेशन करते हैं एंकल रोटेशन चलिए स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव उल्टा वन टू three, four, five, six, रिलैक्स गुड अब पैर को थोड़ा सा नीट को टैप करेंगे पूरा फुलिजियन को नी को टैप करेंगे नी को टैप करिए ताकि पैर में अभ्यास करने से जो भी खिंचाव हुआ है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए नी को टैप करना है नी को टैप करना है थोड़ा नी को टाइप करना है इस तरह से नी को टाइप करिए नी को टाइप करेंगे थोड़ी देर नी को टाइप करना है रिलैक्स अब इसके बाद जो अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वो नी ज्वाइंट के लिए करेंगे नी ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं या दोनों हाथ सामने फैलाएंगे स्ट्रेट और अब एक एक पैर को अपनी तरफ मोड़ना है फैलाना है इसमें से आप दाएँ या बाएँ किसी भी एक पैर से शुरू कर सकते हैं तो हम लोग पहले आज स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लेग से स्टार्ट वन अपनी तरफ मोड़ते हुए पैर को जमीन से लगभग तीन से चार इंच ऊपर रखना है फिर सामने फैलाना है वन उठा करके रखें तो और लाभ मिलेगा टू इससे जो मेन कोर मसल है नी के साथ साथ जो हमारा क्वाड मसल है क्वाडिसेप्स उस पर भी प्रेशर पड़ता है टू three, three, four, four, five, five. रिलैक्स अब दूसरा पैर दूसरे पैर से करेंगे वन वन टू टू थ्री इसमें स्पाइन सीधी रखनी है थ्री फोर फोर फाइव फाइव रिलैक्स अब दोनों पैर से इकट्ठा करेंगे वन वन टू टू इसमें विशेष ध्यान देना है कि जब पैर मोड़े तो दोनों घुटना पास पास रहे ठीक है थ्री दोनों घुटना को आपस में मिला के रखने का कोशिश करना है थ्री फोर फोर फाइव फाइव रिलैक्स अब अगला अभ्यास जो हम लोग करेंगे हिप ज्वाइंट के लिए अर्ध तितली आसन जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं या कहीं कहीं पे बद्ध कोण आसन भी बोलते हैं ठीक है तो सिंपल करेंगे इसमें दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे पहले दोनों हाथ और ऊपर की तरफ एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए मिलाएंगे वन दोनों घुटना मिलाना है और सिर को घुटने में लगाने का कोशिश ठीक है फिर नीचे दबाते हुए टू वन नीचे की तरफ दोनों घुटना नीचे दबाना है और सिर ऊपर स्ट्रेच करना है टू वेरी गुड two, three, three, four, four, five, five, relax गुड अब आराम से चौकरी लगा के बैठना है अब जो हिप ज्वाइंट हो गया सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया टो ज्वाइंट टो ज्वाइंट के बाद हम लोग क्या किया एंकल एंकल के बाद नी जुएंट, नी जुएंट के बाद हिप ज्वाइंट अब हमारा जो है लंबर एरिया जो बैक ज्वाइंट है लोअर बैक ज्वाइंट उसका अभ्यास करेंगे तो इसमें दोनों हाथ नी पे रखते हैं स्ट्रेट और अपने ये मिडिल एरिया को मूव कराते हैं चलिए यह भी कोर स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है तो सभी लोग अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए रोटेट करेंगे स्टार्ट वन पूरा टू धीरे धीरे थ्री फोर सिर्फ मिडल एरिया फाइव सिक्स

सेवेन एट नाइन टेन रिलैक्स तो इससे क्या हो गया जब हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो मिडिल एरिया है जो हमारा पेल्विस एरिया है इसमें मोवमेंट रोटेशन लाते हैं ताकि यहाँ जो हमारा पीच निचला हिस्सा है जिसको हम हम लोग लंबर भाग बोलते हैं उसमें फ्लैक्सीबिलिटी है तो इसको घुमाने से क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाने से जो लंबर के वर्टिब्रा है जो हड्डियाँ हैं वो उसमें प्रॉपर मोमेंट आती है उसमें लचीलापन आता है अब जो अगला ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं वो है हमारा शोल्डर ज्वाइंट तो दोनों हाथ कंधों पर दोनों कोहनी को सामने से मिलाएंगे और ऊपर उठाते हुए स्क्रीन पे गौरव जी को लीजिए हम हाँ, वन ऊपर की तरफ उठाते हुए टू थ्री इसमें नेक को नीचे नहीं झुकाना है सामने देखना है फोर फाइव उल्टी दिशा में आप घुमाएंगे रिलैक्स उल्टा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन रिलैक्स गुड तो शोल्डर ज्वाइंट्स का अभ्यास हो गया अब जो अगला अभ्यास करेंगे हम लोग वो करेंगे एल्बो ज्वाइंट का अभ्यास तो एल्बो ज्वाइंट के अभ्यास के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों हाथ सामने फैलाते हैं एल्बो को टाइट करना हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर अपनी तरफ मोड़ेंगे गौरव जी पे फोकस रखिए वन अपनी तरफ मोड़िए वन सामने फैलाइए टू Two, three. एक चीज का ध्यान रखना है कि एल्बो नीचे नहीं झुकानी है एल्बो हमेशा पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा जो ये एल्बो का पार्ट है वो ऐसे नीचे नहीं झुकाना ये हमेशा ऊपर ठीक है ये पैरेलल रहेगा स्टार्ट फोर फोर वेरी गुड फाइव फाइव सिक्स सिक्स बहुत ही सुंदर सेवेन सेवेन एट एट नाइन नाइन टेन टेन रिलैक्स गुड एल्बो ज्वाइंट कंप्लीट अब जो अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वो है रिस्ट ज्वाइंट ठीक है रिस्ट ज्वाइंट करने के लिए हाथ को सामने फैलाते हैं अंगूठा मुट्ठी के अंदर यूँ और मुट्ठी बंद दोनों मुट्ठी पास पास इसको या तो आप ऐसे एक हाथ से पकड़ करके इसको यूँ रोटेट भी कर सकते हैं लेकिन इकट्ठा दोनों जो हमारा रिस्ट है वो रोटेट हो इसके लिए हम इस तरह से दोनों मुट्ठी पास पास मिला कर के रखना है हाथ को खींच के स्ट्रेट और इसमें भी ये नहीं कि ऐसे झुका करके या कोहनी मोड़ करके ऐसे नहीं करना है हाथ बिल्कुल सीधा रखते हुए करना है ठीक है। वन टू आप देखिए कि मेरा एल्बो बिल्कुल सीधा है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उल्टा वन टू थ्री कोहनी नहीं मोड़ना चाहिए कोहनी स्ट्रेट रखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रिलैक्स ठीक है अब अगला ज्वाइंट हमारा कौन सा है गर्दन ये भी ज्वाइंट्स में आते हैं तो गर्दन गर्दन की अभ्यास करते हैं हम लोग इसमें दोनों हाथ पीछे सपोर्ट के लिए लगा लेते हैं, चेस्ट ओपन शोल्डर को पीछे की तरफ दबा के रखते हैं और गर्दन को पूरा एक दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वाइज वन टू थ्री आंखें खोल करके नहीं तो चक्कर आएंगे फोर फाइव सिक्स Seven, eight, nine, ten. 8 123 Four, five, six, seven, eight, nine, ten. relax good so almost मोटा मोटा शरीर के जितने भी मेन ज्वाइंट्स हैं सबके अभ्यास हम लोगों ने कर लिए अब जा कर के हम लोग मेन आसन पे जाएंगे आज हम लोग वैसे अभ्यास करेंगे जिसमें कि हमारे शरीर के जो मुख्य मांसपेशियां है, हैं मेन मसल्स जहाँ जहाँ हैं जिससे हमारे शक्ति में बल प्रदान होता है जो हमारे शरीर को स्टेबल बनाता है स्ट्रेंथ पैदा करता है वो सब मांसपेशियों के अभ्यास हम लोग करेंगे तो जिसमें से पेट की मांसपेशियाँ हैं पेट के अलग अलग हिस्से की मांसपेशियाँ हैं जांघों की मांसपेशियाँ हैं हमारे नितंब या बटक जिसको बोलते हैं बटक की मांसपेशियाँ हैं पीछे स्केपुला जो पुट्ठा बोलते हैं उसकी मांसपेशियाँ हैं बाह की मांसपेशियाँ हैं अलग अलग हिस्से की जो मांसपेशियाँ हैं हम उसका अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल एक वैसे अभ्यास ये यूनिवर्सल आसन में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शशांक आसन अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे मांसपसियाँ एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें इस अभ्यास को हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वज्रासन में इस तरह से बैठेंगे पैर मोड़ करके ठीक है और अब धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और अब एक साथ सिर और हाथ नीचे जाएगा डाउन अपने शरीर को आगे स्ट्रेच करना है पूरा माथा जमीन में टिकाना है इनहेल आप धीरे धीरे नीचे जब नीचे जा रहे हैं तो देखिए पहले माथा लग रहा है फिर हाथ जमीन पे टिकेगा ठीक है और जब ऊपर उठेंगे तो हाथ पहले जमीन से उठाएंगे फिर ऊपर उठेगा ठीक है इस तरह से करना चाहिए चलिए सभी लोग आइए फिर से बैठिए वज्रासन में दोनों हाथ ऊपर अब इसमें श्वास का भी ध्यान रखना है श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है श्वास लेते हुए ऊपर उठना है श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे